ल्यूकोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स। ल्यूकोसाइट्स कैसे रहते हैं? ल्यूकोसाइट्स कलरलेस, कलरलेस। जैसे आरबीसीज रेड है, लेकिन ल्यूकोसाइट्स कैसे है? कलरलेस है, कलरलेस। अमीबॉइड, अमीबॉइड मीन्स देयर शेप इज लाइक दिस, इस तरह से उनका शेप रहेगा, उनका शेप चेंज हो सकता है, तो इसीलिए उसे क्या बोलते हैं? अमीबॉइड। अमीबॉइड इस तरह से उनका शेप जो है वो इरेगुलर है, इरेगुलर शेप जिसका भी रहता है उसे क्या बोला जाता है? अमीबॉइड। कलरलेस, अमीबॉइड एंड न्यूक्लिएटेड। कलरलेस है वो, उनको कलर नहीं है। अमीबॉइड है, इरेगुलर इन शेप, शेप उनका इरेगुलर है, इसलिए अमीबॉइड। अमीबा का शेप जैसे इरेगुलर होता है, वैसे ल्यूकोसाइट्स का शेप भी इरेगुलर है, इसलिए यहाँ यूज़ किया है वर्ड अमीबॉइड। न्यूक्लिएटेड, उनके अंदर न्यूक्लियस है। जैसे इसके पहले हमने जो आरबीसीज पढ़ी है, आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता है, आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता है, एब्सेंट होता है, लेकिन इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा कलरलेस, अमीबॉइड एंड न्यूक्लिएटेड। कलरलेस, अमीबॉइड एंड न्यूक्लिएटेड। ये जो आरबीसीज है, आरबीसीज, ये जो डब्ल्यूबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज का एक खास कैरेक्टरिस्टिक है, ड्यू टू अमीबॉइड मूवमेंट दे कैन पास आउट ऑफ कैपिलरी वॉल, इट इज कॉल्ड डाइपेडेसिस। डाइपेडेसिस के ऊपर क्वेश्चन आएगा एक मार्क का, डाइपेडेसिस, व्हाट इज डाइपेडेसिस, विच ब्लड कार्पसल शो डाइपेडेसिस, डब्ल्यूबीसी और आरबीसीज और प्लेटलेट्स। डाइपेडेसिस का, डाइपेडेसिस क्या है, क्या है ये हम थोड़ा सा देखेंगे। देखिए ये ब्लड कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी की जो वॉल है इज लाइंड बाय सिंगल लेयर ऑफ, सिंगल लेयर ऑफ स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम, दैट इज एंडोथेलियम, सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम ब्लड कैपिलरीज की जो वॉल है वो इतनी पतली होती है, इतनी पतली होती है कि एपिथेलियल टिश्यू के सिंगल लेयर से बनी हुई होती है, जिसे बोलते हैं एंडोथेलियम। इसमें छोटे से छोटे छोटे पोर्स होते हैं कैपिलरी के वॉल में, एकदम फाइन पोर्स, बहुत छोटे छोटे, इसमें से ब्लड जा रहा है। ब्लड में देखिए डब्ल्यूबीसी निकालती हूँ, डब्ल्यूबीसी, ये डब्ल्यूबीसीज है, अलग अलग प्रकार की डब्ल्यूबीसीज होती है, इसलिए मैंने ऐसे निकाली। ये डब्ल्यूबीसी अमीबॉइड शेप होता है ना डब्ल्यूबीसीज का, देखिए ये डब्ल्यूबीसीज है, तो ये कैपिलरीज के वॉल में जो एक छोटा सा, छोटे छोटे मैंने पोर्स ड्रॉ किए हैं, ये पोर्स इतने छोटे हैं कि इसके कंपैरिजन में डब्ल्यूबीसी का साइज़ बहुत बड़ा है।
लेकिन फिर भी ये जो WBCs है, ये WBCs इस कैपिलरीज के वॉल से, ये जो कैपिलरी की वॉल है, इस कैपिलरी के वॉल को जो छोटा सा छेद है, छोटे छोटे छेद है, छोटे छोटे पोर्स है, इसमें से ये WBC बाहर आ सकती। देखो बाहर आ गई, तो इसे बोलते हैं डायपेडेसिस। क्या बोलते हैं इसी को? डायपेडेसिस। डायपेडेसिस मतलब जब ये ब्लड जब कैपिलरी से फ्लो होता है, ब्लड में जो WBCs है वो WBCs इजीली कैपिलरीज के वॉल से बाहर आ सकती है। तो WBCs का साइज तो बहुत बड़ा है और ये कैपिलरी के वॉल में जो छोटे छोटे पोर्स है उनका साइज तो बहुत छोटा है, तो इनके इतने बड़े WBC, इतना बड़ा WBC इतने छोटे से पोर्स से बाहर कैसे आएगा, ये सोचने वाली बात है। तो इसके पीछे क्या कारण है, WBC ऐसी कैपिलरीज के वॉल से बाहर क्यों आ सकती है? क्योंकि अमीबॉइड मूवमेंट। तो ये जब इसको बाहर जाना रहेगा तो ये ऐसी हो जाएगी, अपना शेप चेंज कर लेगी, ऐसी हो जाएगी ना, ये लंबी ऐसी हो जाएगी, है ना। इसको बाहर जाना है, यहाँ से बाहर निकलना है। देखो ये ऐसी ऐसी बाहर निकलेगी, ऐसी उसने अपना शेप चेंज कर लिया, समझ में आया ना। तो इसलिए ये अपना शेप जो है वो चेंज कर सकती है, उसका शेप इरेगुलर होता है। तो ये कैरेक्टर होने की वजह से ये जो इतनी बड़ी WBC है वो इतने छोटे छेद से बाहर इजीली आ सकती है, एंड दिस इज कॉल्ड एज डायपेडेसिस। क्या बोला जाता है इसे? डायपेडेसिस। एक मार्क का क्वेश्चन आएगा डायपेडेसिस पर, तो क्या आप इसका आंसर लिख पाओगे? क्या लिखोगे इसका आंसर? ड्यू टू अमीबॉइड मूवमेंट। WBC में कौन सी मूवमेंट होती है? अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबॉइड मूवमेंट समझता है ना बेटा, जो हमने अभी अमीबॉइड मूवमेंट मतलब वो अपना शेप चेंज करती है, कितना भी छोटा पार्ट हो उसमें से वो पास हो सकती है इजीली। तो उससे पास होने के लिए WBC क्या करेगी? अपना शेप चेंज कर लेगी। तो ड्यू टू अमीबॉइड मूवमेंट दे कैन पास आउट ऑफ कैपिलरी वॉल। कैपिलरी वॉल से भी वो बाहर आ सकते हैं। दिस इज कॉल्ड डायपेडेसिस। क्या बोलेंगे हम इसे? दिस इज कॉल्ड डायपेडेसिस। एनी डिफिकल्टी? कितनी होती है WBC हमारे ब्लड में, एवरेज कितना होता है WBC? इसे बोलेंगे हम टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। WBC हमारे ब्लड में कितनी होती है, WBC इसके नंबर अगर गिनेंगे हम तो 5000 to 11000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, पर क्यूबिक मिलीमीटर। इसका मीनिंग ये होता है कि एक क्यूबिक मिलीमीटर इतना एरिया अगर हम ले लेते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने इतना एरिया ले लिया, समझ लो ये है एक क्यूबिक मिलीमीटर। इतना एरिया मैंने ले लिया तो ये है एक क्यूबिक मिलीमीटर, इतना ये एरिया है एक क्यूबिक मिलीमीटर। इसका पूरा जो एरिया क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल ये वह एक क्यूबिक मिलीमीटर है। ये भी हम गिनेंगे डिस्टेंस तो 1 मिलीमीटर है, ये भी गिनेंगे तो कितना है, 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर, ये भी 1 मिलीमीटर, मतलब पूरा कितना है ये 1 मिलीमीटर, 1 क्यूबिक मिलीमीटर, समझ में आया ना। ये क्यूब है, क्या है ये? क्यूब है, अंदर से क्या है? हॉलो है। हॉलो मतलब समझता ना, जगह है अंदर। इसके अंदर अगर हम ब्लड डालेंगे, एक क्यूबिक मिलीमीटर इतना एरिया है, इतने एरिया में जितना ब्लड समाएगा उस ब्लड में अगर हम WBCs काउंट करेंगे तो कितने आएंगे? 5000 to 11000। ये साइन किसका है? पर क्यूबिक मिलीमीटर। मतलब इतने से ब्लड में इतने सारे है WBC, तो पूरे ब्लड में कितने होंगे, समझ में आया ना बेटा। तो यही
ये इसी तरह से काउंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इंक्रीज इन नंबर ऑफ WBCs, इंक्रीज इन नंबर ऑफ WBCs, इसे बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। WBCs के नंबर इंक्रीज होते हैं, इंक्रीज इन नंबर ऑफ WBC इट्स कॉल्ड एज ल्यूकोसाइटोसिस। WBCs के नंबर हमारे बॉडी में टेम्पररली इंक्रीज होते हैं। कैसे इंक्रीज होते हैं? टेम्पररी इंक्रीज इन नंबर ऑफ WBCs इज कॉल्ड ल्यूकोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे हम इस फिनोमिनन को? इट इज कॉल्ड ल्यूकोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं हम इसे? ल्यूकोसाइटोसिस। इंक्रीज कब होंगे WBCs के नंबर? WBCs के नंबर इंक्रीज होंगे नंबर वन प्रेगनेंसी के दौरान, नंबर टू न्यू बॉर्न बेबी में, नंबर तीन इन्फेक्शन में। समझ में आया? इंक्रीज इन नंबर ऑफ WBCs इज कॉल्ड ल्यूकोसाइटोसिस। WBCs के नंबर इंक्रीज कब होंगे? प्रेगनेंसी में, न्यू बॉर्न बेबी में, इन्फेक्शन में। इन्फेक्शन किसी भी कोई भी इन्फेक्शन अगर हमें होता है, जैसे जैसे इन्फेक्शन टाइफाइड है, डेंगू है, मलेरिया है ना, कॉलरा है, कोई भी कुछ भी वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उस इन्फेक्शन की वजह से हमारे ब्लड में WBCs का नंबर बढ़ता है, टेम्पररीली है। लेकिन जैसे ही इन्फेक्शन कम हो जाएगा, WBCs के नंबर जितने हैं उतने ही हो जाएंगे। बढ़ते हैं मतलब कितना बढ़ते हैं? जब हम बुखार आता है, तबीयत खराब होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं हमें? ब्लड चेक करने के लिए बोलते हैं। ब्लड चेक करने के लिए मतलब TLC करने के लिए बोलते हैं, TLC एंड DLC। TLC मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, एंड DLC मतलब डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, कौन से ल्यूकोसाइट कितने हैं। तो हम पहले TLC देखेंगे। तो हमारा TLC अगर 11,000 तक आता है तो हमारे ब्लड में इन्फेक्शन नहीं। लेकिन अगर ऐसा हारा हमारा TLC 15,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, हमारे WBCs इतने आ गए, कितने चाहिए थे? 11,000 चाहिए, तो इतने आ गए। मतलब देखिए हमारे WBCs में क्या हो गया है? टेम्पररीली इंक्रीज हो गया। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइटोसिस। इन्फेक्शन है मतलब ब्लड में, है ना, तो उस इन्फेक्शन है ब्लड में, फॉरेन पार्टिकल्स है, तो फॉरेन पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करना है, तो इतने WBCs काफ़ी नहीं है, इसलिए WBCs का नंबर क्या होता है? टेम्पररीली इंक्रीज होता है। दूसरी टर्मिनोलॉजी देखिए, डिक्रीज इन नंबर ऑफ WBCs इज कॉल्ड ल्यूकोपेनिया। WBCs का नंबर अगर हमारे ब्लड में डिक्रीज होता है तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? ल्यूकोपेनिया। WBCs का नंबर डिक्रीज होता है तो क्या बोलेंगे उसे? ल्यूकोपेनिया। कब होता है ल्यूकोपेनिया? एड्स में होता है, ट्यूबरकुलोसिस में होता है, इसके बाद इलेक्ट्रिक शॉक अगर लग जाता है किसी को, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया तो उस इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से भी WBCs का नंबर डिक्रीज हो जाता है। और जो रेज है, एक्सपोज अगर होते हैं हम किसी रेडिएशन को, समझ में आए ना, रेडिएशन को एक्सपोज होते हैं, जैसे एक्सरेज है, गामा रेज है, किसी भी रेडिएशन को हम एक्सपोज होते हैं, ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन, ये हमारे WBCs का नंबर क्या हो सकता है? डिक्रीज हो सकता है। एनी डिफ़िकल्टी? तो फिर हमने क्या क्या लिया है आज?
WBCs कैसे है? कलरलेस है, अमीबॉइड है, न्यूक्लिएटेड है. ड्यू टू अमीबॉइड मूवमेंट दे कैन पास आउट ऑफ कैपिलरी वॉल एंड दिस इज कॉल्ड डायपेडेसिस. इट इज कॉल्ड डायपेडेसिस. हम इसे यहाँ लिख देते हैं, दिस इज कॉल्ड डायपेडेसिस. यहाँ डायग्राम भी ड्रॉ किया. टोटल ल्यूकोसाइट काउंट क्या होता है हमारा? 5000 टू 11000 पर क्यूबिक मिलीमीटर. अगर WBCs टेम्परेरीली इंक्रीज होते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज ल्यूकोसाइटोसिस. कब होता है ये? प्रेगनेंसी में, न्यूबॉर्न बेबी में एंड इन्फेक्शन में. टेम्परेरीली डिक्रीज होते हैं WBCs का नंबर डिक्रीज होता है, दैट इज कॉल्ड एज ए ल्यूकोपेनिया. ल्यूकोपेनिया कब होगा? एड्स में, ट्यूबरक्लोसिस में, इलेक्ट्रिक शॉक किसी को लग गया है, कोई अगर एक्सरेस को, रेडिएशन को एक्सपोज होता है तो ल्यूकोपेनिया होगा. नेक्स्ट ल्यूकेमिया. ल्यूकेमिया, इसे ब्लड कैंसर बोला जाता है. क्या बोला जाता है ल्यूकेमिया को? ब्लड कैंसर. ल्यूकेमिया में क्या हो जाता है कि देयर इज अ एबनॉर्मल इंक्रीज इन abnormal increase in number of WBCs. abnormal increase in number of WBCs. WBCs के number blood में abnormally increase होते हैं. abnormally वो नहीं, temporarily increase हो गए, 11,000 के 15,000 हो गए, फिर normal हो गए, वो normal condition है, वो infection में होगा वैसा. लेकिन ये एबनॉर्मली परमानेंटली इंक्रीज़ हो रहे, डिक्रीज ही नहीं हो गए. जैसे ल्यूकेमिया 50,000 हो गए, कितने होना चाहिए कम से कम? 11,000. लेकिन इसका रीडिंग आ रहा 50,000. कितने हो गए समझ लो, किसी के ब्लड में 50,000 हो गए. तो दैट इज़ द, ये वरी का पॉइंट हो, चिंता करने की बात है. समझ में आया ना? 50,000 WBCs हो गए हैं पर क्यूबिक mm. तो ये क्या है, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है. तो ऐसे अगर ये होते हैं, एबनॉर्मल इंक्रीज होता है WBCs के नंबर में, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज ल्यूकेमिया. एनी डिफिकल्टी? ल्यूकेमिया को क्या बोला जाता है? ब्लड कैंसर. WBCs का फंक्शन क्या है? WBCs जो है ये फाइट अगेंस्ट पैथोजेन, या फिर फाइट अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल्स. फॉरेन पार्टिकल जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा ये बैक्टीरिया में, और इसमें बहुत सिमिलरिटी है, बैक्टीरिया में सेल वॉल रहती है, इसमें सेल वॉल नहीं रहती है इतना ही. तो जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल अपने बॉडी के जो पार्ट नहीं, बाहर से हमारे बॉडी में एंटर होंगे, बैक्टीरिया, वायरसेस, माइकोप्लाज्मा, तो ये फॉरेन पार्टिकल्स हैं, तो इनको डिस्ट्रॉय करेंगी अपनी WBCs. तो WBC क्या करती है? प्रिवेंट अगेंस्ट डिसीजेस. रेजिस्टेंस पावर हमारा बढ़ाती है WBCs. क्या बनाती है? हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस पावर कौन बनाती है? WBCs. तो ये है WBC का फंक्शन.